हेलो फ्रेंड्स, अभी हम नहा के आ चुके हैं और यहाँ पे बाबू भी नहा चुका है और उसको ना बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। और बाबू अब यहाँ पे परी कर दो बेटा, परी कर दो। हाँ परी आओ, नमस्ते कर दो। नमस्ते, जय श्री राम बोल दो। जय श्री राम दाजी। और परी कर दो, परी कर दो। देव उत्थाने का दिन है, आज देवों पर जागृत होने वाला दिन था और मैं ही जागृत नहीं हो पाई। मुझे आज सुबह उठने में थोड़ा सा लेट हो गया, इसलिए मैं पूजा भी लेट शुरू करी थी। आज से सारे मांगलिक कार्य शुरू हो रहे हैं, भगवान करे मेरे भी सब मंगल ही मंगल हो। परिस्थिति से गुजर रही हूँ, उसे सामना करने का साहस दे, यही कामना करती हूँ भगवान जी से। यहाँ पर मम्मी ने तुलसी मैया को कन्हैया जी से बांध दिया है, क्योंकि कन्हैया जी भी विष्णु जी का ही रूप है, तो इस रूप में इनकी पूजा की जा सकती थी। बाबू प्रणाम करो, प्रणाम। ऐसे ऐसे यहाँ बाबू भी तुलसी मैया को प्रणाम कर रहा है। ना बाबू को बहुत ज़्यादा ना भूख लगी हुई थी और उसको ठंड भी बहुत लग रही थी, इसलिए मम्मी ने उसको कम्बल में लपेट के उसको सेक दिया था खाने को, और वो झटझट खाए भी जा रहा था। क्या खा रहे हो बेटा, क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो? अच्छा पनीर खा रहे हो, ऐसे खाते हैं? थोड़ा थोड़ा खाओ, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा, हाँ थोड़ा थोड़ा खाओ, ऐसे भूर के खाते हैं बेटा, थोड़ा थोड़ा खाओ। मम्मा को भी खिला दो, मम्मा को। आ आ आ, और नहीं नहीं बेटा, खाना खिलाना है, नहीं खिलाओगे, नहीं खिलाओगे, नहीं खिलाओगे। अच्छा ना खिलाओ, चलो खा लो। पर प्रिंस जबरदस्ती पापा जी के साथ खाने के लिए बैठ गया था और आप देख रहे हैं कि वो किस तरह से रोटी खा रहा है। उसको छोटे छोटे टुकड़े खाने के लिए बोल रही हूँ तो वो बड़ा टुकड़ा उठा के उसको ऐसे चटा के खा रहा है। जब भी उसको खाने का मन होता है ना, वो इसी तरह से करता है। यहाँ पर पनीर की सब्जी और रोटी रखी हुई है। बाबू को ना पनीर बहुत पसंद है और वो बहुत टेस्टी के साथ खाता है। रोटी खा रहे हो? नहीं, खाना खाओ, रोटी खाओ। रोटी खाओ, ना उसने कुछ ज़्यादा ही मुंह में रोटी भर ली थी और जिसके कारण उसको उल्टी भी हो सकती थी, पर कोई नहीं होती उसको। तोड़ के खाओ, तोड़ के, तोड़ के, थोड़ा थोड़ा। और अभी ना मैं मार्केट से आ रही हूँ क्योंकि आज चिल्ड्रन डे था और मैं ना भूल गई थी, बिल्कुल मेरे दिमाग से निकल गया था, और इसलिए मैं बापू को लेकर मार्केट। और अभी हम लोग मार्केट पहुँच चुके थे, मुझे जो लेना था वो चीज़ की मैं तलाश कर रही थी, पता नहीं बाबू के लिए वो चीज़ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि मार्केट में बहुत कम लगा हुआ था, लिमिटेड आइटम ही यहाँ पे मिलते हैं। मैं भी मार्केट ना काफ़ी समय के बाद आई थी, मुझे यह जानकारी नहीं थी कि अभी मार्केट सही से लग नहीं रहा है। और मैं अपने लिए भी कुछ आइटम देखने के लिए लाई थी क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी थी और मुझे कुछ गर्म कपड़े की ज़रूरत थी, इसलिए मैं मार्केट आई थी। पर मुझे लगता है कि अभी मार्केट में वैसे सामान नहीं आए हैं जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट है। अरे हीरोपंती दिखा रहे रहे तो हाँ, मार्केट में बच्चों के लिए उन्हें कपड़े निकल चुके थे और मुझे ना कपड़े तो पसंद आ रहे थे, पर क्या होता है ना
कई बार इसका ना साइज अच्छे से आता नहीं है, कपड़ा भी ना सिकुड़ जाता है, इसलिए ना ज़्यादातर कपड़े जो इसके होते हैं ना वो दुकान से ही लिए जाते हैं, वहाँ पे ना एक्सचेंज भी हो जाता है अगर कोई इशू होता है तो। मुझे तो यह कपड़े बहुत पसंद आ रहे थे बच्चे के लिए, पर क्या था कि मार्केट से लेना ही मुझे सही लगेगा, मैंने वहीं पे सोचा है कि बाबू के लिए वहीं से कपड़े ले लूँगी। फ़िलहाल मैं जब बाबू के लिए ढूँढ रही थी सामान तो फ़िलहाल अभी तक मुझे नहीं मिला था, बट मुझे इसके बदले एक चीज़ बहुत अच्छी लगी जो मैं आपको आगे की वीडियो में ज़रूर दिखाऊँगी। यहाँ पर ना बाबू बहुत ज़्यादा मैं थक गया था और वो लोग गोदी चलने की चीज करने लगा था, तो मुझे उसको गोद में लेके घर जाना पड़ा। चलो चलो घर में चल। यहाँ ना प्रिंस घर पहुँच चुका था और स्कूटी पे चढ़ गया था, उसको मैं अंदर चलने के लिए बोल रही थी पर वो मना कर रहा था। इसी के साथ मैं वीडियो की एंडिंग करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जितना ज़्यादा प्रेस करेगा अपने तथा मेरे बच्चे के लिए बहुत कुछ करना है, इसलिए आपकी